हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं हसन नसरल्ला के डेट की खबर यहाँ पर आ रही है कि आखिर इजराइल ने क्या सच में ही हिजबुल्ला का जो हेड था यानी चीफ था क्या उसे मार दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आर्टिकल इस समय आ रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज की या आपके भारत के भी, इनमें यही खबर इस समय चल रही है। यहाँ पर इजराइल ने काफ़ी भयंकर एयर स्ट्राइक किया है और उन्होंने हिजबुल्ला के कमांड सेंटर जो बैरूत में यानी लेबनान की राजधानी पर है वहाँ पर अटैक किया है। तो उसके बाद से ये खबर लगातार आई है क्या उनका चीफ जो हिजबुल्ला का चीफ है क्या वो सच में ही मारा गया है। आप देख सकते हैं ये जो फ़ोटो है यही हिजबुल्ला के चीफ की फ़ोटो ही आप देख सकते हैं। सैयद हसन नसरल्लाह इसका नाम है, ये आपको ध्यान देना है। और इसकी तो यहाँ वहाँ पर फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा थी और उनके रिश्ते ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी के साथ उनके साथ भी बहुत ही अच्छे हैं। 1992 से इनके रिश्ते अच्छे चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी खबर होने वाली है यदि ये सच में ही मारे गए होंगे तो ये समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग खबर होगी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आखिर अभी तक क्योंकि ईरान की तरफ से और ना ही लेबनान की तरफ से अभी ये पुष्टि नहीं की गई है, ये अभी इजराइल के डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि हमने ये सैयद हसन नसरल्लाह को मार दिया है, ये आपको ध्यान देना है। आप देखेंगे हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर जो आपके बैरूत में है वहाँ पर काफ़ी भयंकर एयर स्ट्राइक किए गए हैं जिसके बाद से उनकी फैमिली और उनके जो मेंबर हैं और उनकी डॉक्टर की भी बात आ रही है कि शायद उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या अभी एक या दो दिन में शाम तक आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि आखिर क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए लेकिन आपको ये ध्यान देना है इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के अलावा भी किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, हिजबुल्ला की तरफ से तो कहा गया है कि वो सेफ हैं लेकिन जब तक देखिए क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ऐसे ही वो ऐलान नहीं करते हैं, उन्होंने खुले तौर पर यही कहा है कि हमने उन्हें मार गिराया है। तो देखिए देखते हैं क्या कैसे क्या जानकारी आगे आती है। ठीक है, यहाँ पर 20 से अधिक एयर स्ट्राइक की गई हैं जहाँ पर रेसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मारे गए हैं। ठीक है, और ये 2006 में जो बैरूत में हमला हुआ था उसके बाद से सबसे भयंकर हमला इसी समय का माना जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह की डॉटर भी किल्ड यानी मारी गई हैं बैरूत एयर स्ट्राइक में, ऐसी रिपोर्टें भी लगातार आ रही हैं। इनके भी देखिए फाइनल जो अथॉरिटी है यानी हिजबुल्ला या लेबनान की गवर्नमेंट या फिर ईरान जो मतलब उन्हें सपोर्ट करता है इनकी तरफ से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन दोस्तों इजराइल ने भयंकर हमला किया है। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है आगे भी बहुत ही लंबा ये युद्ध चलने वाला है, देखते जाइएगा आप। बाकी आपके क्या इस मुद्दे पर विचार है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।